हे मेट्स, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को सब्सक्राइब करने की, और एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि स्पॉइलर्स हर जगह होते हैं, तो आपका वक्त जरा भी बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एडवाइस दी थी, वार्निंग दी थी कि बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए थॉर से, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके अगर आप सिनेमाघर में जाएंगे तो आपका दिल टूट सकता है। मैं खुद प्रिपेयर होके गया था, मैं बहुत कम एक्सपेक्टेशंस लेके गया था, लेकिन फिर भी उससे कहीं ज्यादा खराब मूवी बना दी है टाइका वाइटीटी ने। ये मार्वल की गलती है या फिर कुछ और वजह है, उसके ऊपर मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लेकिन जब मैं थॉर लव एंड थंडर देख रहा था तो मेरे जहन में एक पंच लाइन आ रही थी, मशहूर पंच लाइन जो मीम्स में आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा, कि अचानक से इन्होंने पूरे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए और हम फैंस का दिल आखिरकार टूट ही गया। मूवी बहुत ज्यादा खराब लगी मुझे। क्यों खराब लगी, उन वजह को एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर वन, डायरेक्टर टाइका वाइटीटी ने दो बहुत बड़ी कॉमिक बुक स्टोरी लाइन को मार्ज करने की कोशिश की। एक तो गॉर द गॉड बुचर स्टोरी लाइन और दूसरी द माइटी थॉर स्टोरी लाइन। तो दोनों स्टोरी लाइन्स को जब मार्ज करने की कोशिश की गई तब काफी कॉम्प्रेस करना पड़ा टाइका वाइटीटी को, और फिल्म की लेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 2 घंटे के आसपास थी, तो कॉम्प्रेस करने की कोशिश में स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा फास्ट हो गई और एक सीन से दूसरे सीन में एक जंप कर रही थी मूवी, और ये जो सीन्स चेंज हो रहे थे वो थोड़ी सी, मतलब उसमें एडिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कॉम्प्रेस करने की वजह से बीच बीच में कट हुआ है, ऐसा लगा, कंटिन्यूएशन की कमी लगी, मतलब एक सीन के बाद दूसरा सीन जोर जबरदस्ती ला दिया गया है, ऐसा लगा। तो ये एक पहला पॉइंट है खराब मूवी लगने की। नंबर टू, कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है मूवी में। सभी कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया गया है मूवी में, मतलब टाइका वाइटीटी ने जान लगा दी है कैरेक्टर डेवलपमेंट्स में कमी रखने की। जेन फोस्टर 8 साल बाद वापस आई है लेकिन उस कैरेक्टर का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है। जेन फोस्टर के अलावा एक बहुत बड़ी कैरेक्टर सिफ, लेडी सिफ, उस कैरेक्टर के बारे में क्या ही बोलूं, उस कैरेक्टर को मतलब एक ही सीन मिला है पूरी मूवी में, और उस सीन में भी वो मजाक ही कर रही है, वो मजाक कर रही है, वो खुद मजाक बन रही है, और आखिर में वो कैरेक्टर दिखी है। बहुत बुरा लगा, लेडी सिफ वापस आई लेकिन उनका मजाक बना दिया गया। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जेन फोस्टर अचानक से वापस आ गई है और उनको कैंसर भी है, वो थॉर से मिलती है और वो वर्दी हो जाती है म्यूनिर उठाने के लिए। ये सारी चीजें काफी फास्ट दिखाई गई जिसके वजह से ऑडियंस एंगेज नहीं हो पाती है, मैं एंगेज नहीं हो पाया, शायद आप एंगेज नहीं हो पाए। थैनोस के स्नैप के बाद जेन फोस्टर डिसअपीयर हुई थी या नहीं हुई थी, इस बारे में भी नहीं कहा गया है, और क्यों इतने सालों तक थॉर और उनकी मुलाकात नहीं हुई, ये जो रीजन दिखाए गए हैं ये काफी कमजोर है ये रीजंस, और आप जुड़ नहीं पाते हैं। थॉर का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही बकवास लगा। ट्रेलर्स में ये लग रहा था कि शायद थॉर रिटायरमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उल्टा वो जंग लड़ रहा था, फाइट्स कर रहा था छोटे मोटे, और काफी मजाक उड़ाया गया है थॉर का, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। नंबर थ्री, थॉर और जेन के बीच में जो लव स्टोरी और उनका ब्रेकअप जो दिखाया गया है पास्ट के सीन्स के थ्रू, ये समझाया गया है कि उनके बीच प्यार था लेकिन ब्रेकअप हो गया, ये काफी कमजोर लगा। दोनों के बीच प्यार बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं लगा, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल मिस मार्वल के एपिसोड 5 में हसन और आयशा का प्यार लगा मुझे। हसन और आयशा के प्यार में दम था, लेकिन थॉर और जेन का प्यार काफी सस्ता लगा मूवी में, मतलब डेप्थ नहीं था, और काफी इजीली वो प्यार में थे, काफी इजीली उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, फिर दोबारा मिल रहे हैं, दोबारा प्यार जाग रहा है, लेकिन अब काफी देर हो गई है, थोड़ा सा इस टाइप का दिखाने की कोशिश की गई। ओवरऑल खास नहीं लगा, एंगेजिंग नहीं लगा। जब थॉर और जेन प्यार में थे तो एक दिन थॉर ने इमोशन में आके यूं ही म्योनिर को कह दिया कि मैं अगर ना भी रहूं तो भी तुम जेन का हमेशा ख्याल रखना, और वो एक एन्चांटमेंट बन जाती है जिसकी वजह से जेन म्योनिर को उठा पाती है। अगेन, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नंबर फोर, थॉर, म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर, इन तीनों का ही भर भर के इंसल्ट किया गया है मूवी में, भर भर के अपमानित किया गया है। भरी सभा में थॉर के कपड़े
उतार दिए जाते हैं, ज्यूस उसे नंगा कर देता है, लेकिन फिर भी वो मैं मान लेता या फिर एक सच्चा हार्डकोर मार्वल फैन एक्सेप्ट कर लेता अगर वो थोड़े वक्त के लिए होता, थोड़े वक्त के लिए उसके कपड़े उतार दिए गए हैं, लेकिन जब ज्यूस को पता चला कि वो थॉर है तो वापस से उसको कपड़े पहना दिए गए, अगर ऐसा होता तो एक्सेप्टेबल होता। लेकिन बिना कपड़ों के काफी अच्छी कन्वर्सेशन होती है दोनों के बीच, एक लंबी कन्वर्सेशन होती है, उसके बाद उसके कपड़े वापस उसे पहनाए जाते हैं, तो ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। कॉमेडी एंगल से दिखाने की कोशिश की गई लेकिन मुझे बहुत खराब लगा ये सीन, बहुत ही इंसल्टिंग लगा। पता नहीं क्यों मार्वल ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का इंसल्ट करने में तुले हुए हैं, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा, लेकिन ये सीन काफी खराब लगा। ठीक ऐसे ही म्योनीर को थॉर के अलावा दूसरा कोई उठा ही नहीं सकता, हम यही देखते आए थे, यही मानते आए थे, थॉर के अलावा सिर्फ विजन ने म्योनीर उठाया था, और स्टीव रॉजर्स म्योनीर लिफ्ट करेगा या नहीं करेगा इस बात को लेकर हम काफी टेंशन में थे, काफी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, और आखिर में एंड गेम ने कैप्टन अमेरिका ने म्योनीर उठाया, थॉर की जान बचाई और थैनोस को अच्छी खासी टक्कर दी, लेकिन लव एंड थंडर में बड़े आसानी से जेन म्योनीर को उठा रही थी और थॉर के पास म्योनीर जा नहीं रहा था, हालांकि थॉर वर्दी है क्योंकि एंड गेम में उसने म्योनीर को यूज किया था और टूटा हुआ म्योनीर न्यू एस्गार्ड में था, थॉर भी न्यू एस्गार्ड में था, तो वो अगर कोशिश करता तो म्योनीर को वो तभी उठा सकता था, म्योनीर को जोड़ सकता था, लेकिन वो भी एंड गेम में नहीं दिखाया गया था, टाइम ट्रेवल करके म्योनीर को लाना पड़ा। तो मूवी में म्योनीर को भी काफी हल्के में दिखाया गया, स्टॉर्म ब्रेकर को एक सीन में थॉर जाम पिलाने की कोशिश करता है, शराब पिलाने की कोशिश करता है, तो ये भी काफी सस्ते लगे, काफी चीप सीन्स लगे ये, जिस स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए थॉर लगभग मरने के कगार में था, उन इमोशंस को डिस्ट्रॉय किया गया है मूवी में, जो इमोशंस हमने फील किए थे, हम जुड़े थे, उन इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, काफी हल्का कर दिया गया है, तो इस बात से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नंबर 5, एज यूजुअल ऑब्वियसली जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, गॉर द गॉड बूचर के साथ इंसाफ नहीं हुआ, फिर से एक जबरदस्त कैरेक्टर और एक जबरदस्त एक्टर क्रिश्चियन बेल वेस्ट हो गए हैं मूवी में, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही इजीली गॉर को विलन बना दिया गया मूवी में, और एक ही मूवी में इंट्रोड्यूस हुआ, एक ही मूवी में खत्म भी हो गया, तो अगेन चीप कर दिया गया गॉर के कैरेक्टर को, काफी हल्का कर दिया गया, पोटेंशियल भरा कैरेक्टर था, फ्यूचर में ये कैरेक्टर धमाल मचा सकता था, लेकिन बड़े ही इजीली खत्म कर दिया गया कैरेक्टर को, और गॉर के साथ नेक्रो स्वॉर्ड को भी हल्के में दिखा दिया गया, गॉर और नेक्रो स्वॉर्ड कितना पावरफुल कैरेक्टर है, नल के साथ उनके कनेक्शन, इस बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में आप लोगों को लिंक दिख रहा होगा, चेक कीजिएगा उस वीडियो को। नंबर 6, बहुत ज्यादा और बहुत ही सस्ती कॉमेडी मूवी में रखी गई, शुरुआत से लेकर आखिर तक जबरदस्ती बहुत ज्यादा कॉमेडी कर दिया गया, थॉर को एक कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया है टाइका वाइटिटी ने, जरूरत से ज्यादा कॉमेडी भर भर के हर सीन्स में है और ये बात इरिटेट करती है। एंड नंबर 7, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि थॉर का एक अलग ही यूनिवर्स बनने जा रहा है, गॉड यूनिवर्स या फिर गॉड वर्स, क्योंकि आखिर में हमने देखा कि ज्यूस गुस्से में है, थॉर जब रिटर्न करेगा तो वो दूसरे गॉड्स के साथ लड़ाई में बिजी रहेगा, अगर थॉर रिटर्न करता है तो, क्योंकि मार्वल अगर ऐसे बकवास मूवीज बनाता रहेगा तो हम ऑडियंस मूवीज देखना बंद कर देंगे और फिर मूवीज बननी बंद हो जाएगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मार्वल से कि ढंग से बनाए मूवीज और कहना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं वो पहले तय कर ले। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेरा ये मानना है कि मूवी बहुत ही ज्यादा खराब बन गई है, आप लोगों के क्या ओपिनियन है कॉमेंट्स में बताइए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मूवी की ओवरऑल समरी और कुछ सीन्स के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिए, आप लोग अगर कंप्लीट देखेंगे और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे भी इस फील्ड में काम कर पाऊंगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो काइंडली कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिए, मैं अगर गलती कर रहा हूं तो उन गलतियों को कॉमेंट्स में बताइए ताकि मैं अगले वीडियोज में उन गलतियों को ठीक कर सकूँ। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।